नमस्कार, मैं संतोष और आप लोग देख रहे हैं अनोखे स्टोरी न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आशीष यादव का शूटिंग कैसे होता है वो चीज़ दिखाने वाला है ना। आप लोगों के काफ़ी सारे वीडियो में हम आशीष भैया का इंटरव्यू दिखाएं, इनके घर पर जाकर के इनके घर दिखाएं और साथ में इनके फैमिली से मिलाए हैं। लेकिन यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर एक एल्बम को शूट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है और कितना ज़्यादा टाइम लगता है फैन, और किस तरीके से इन लोग शूटिंग करते हैं तब पब्लिक उस एल्बम को खूब ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी सारा सेटअप तैयार हो रहा फैन, और सेटअप देख रहे हैं किस तरीके से बैकग्राउंड में सजा हुआ फैन। और ये लोकेशन पटना का फैन, पटना का एक मैरिज हॉल है उसी का ये लोकेशन है फैन, जो कि आप लोग देख सकते हैं अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, सारा सेटअप क्लियर हो रहा फैन। और आप देख सकते हैं कि गाना बजने वाला है, बज रहा है, और अब आशीष भैया और साथ में जो मॉडल है दोनों एक्टिंग करना स्टार्ट कर दें फैन। तो आप लोग देख रहे हैं फैन कि किस प्रकार से ये लोग एक्टिंग करते हैं और खूब ज़्यादा एक ही शॉट के 2 से 3 टेक लेते हैं फैन, यानी 2 से 3 बार करते हैं तब क्लियर होता है फैन। और इतना सारा कुछ करने के बाद आप लोगों तक वीडियो पहुंचता है और आप लोगों ने डिसाइड करते हैं कि इस एल्बम को हिट बनाना है या फ्लॉप करना है, तो आप लोग पर निर्भर करता है फैन। तो यहां पर देख सकते हैं कि हवा चलाने के लिए कि एयर फ्रेशर फैन, जिससे फेस पर हवा दिया जाता है जो कि बाल खूब ज़्यादा उड़ता है। और गाइस शूटिंग पर खूब ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं फैन। तो ये सारी चीज़ें सोचें कि अपने भाइयों के साथ शेयर करते हैं तो कैसा लगा फैन। और अभी तक आशीष भैया का इंटरव्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर है, जो कि देख सकते हैं फैन, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है।